तो आरटीए वाले लट लेके खड़े रहते हैं, पांच पांच दस, मैं तो कईयों को पकड़ता हूँ सड़क पे, भाग जाते हैं खेतों के अंदर, गाड़ियां आती है जब, क्या कर रहे हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, कहने को तो शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा दारू जाती है गुजरात में, जाती कि नहीं जाती है। ये चौथ वसूली का धंधा बंद करा देंगे, कभी किसी को पॉलिटिकल पापा कह देते हैं, कभी किसी को, ऐसे थोड़ी होता है, एक ही होता है पिताजी, एक ही होता है जिसके घर उसका जन्म होता है, दो पापा नहीं होते किसी के, कहते पॉलिटिकल पापा, हमने तो नहीं सुना भाई पॉलिटिकल पापा, 15-20 लोगों को पता नहीं क्या आप अपने राजस्थान में जोश आ रखा है कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं तो बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं ना कहीं। और अब एकदम से कह दिए तो ठीक नहीं है, फिर रात को ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है, उनके हिसाब से चले जब ठीक, और हिसाब से नहीं चले तो नहीं ठीक। तो भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और थर्ड फोर्स से जो भी है, हम मिलकर प्रयास करेंगे कि हम मिलजुल के इस बार काम करें। कोविड काल के अंदर हमारी जो यूटीपी की बहनें थी, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, किस तरह जान पे खेल के इन लोगों ने, कोरोना के अंदर जब लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया था, एक कोविड पॉजिटिव अगर खत्म हो गया, घरवाले कहते हैं जल्दी जाके इसका अंतिम संस्कार करो, हमारे कोरोना फैल जाएगा, तब ये बच्चे काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही थी कोरोना वॉरियर के रूप में। उन तमाम लोगों को परमानेंट करना चाहिए, मैं लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, इनका मानदेय बढ़ाओ, इनको परमानेंट करो, और जितने भी संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर, गहलोत जी वैसे ही आप कलम लेके चल रहे हो, बजट की परवाह भी नहीं करो, कर दो घोषणाएं, होती रहेगी पालना, अपना घोषणा करने में क्या जा रहा है, नहीं होगी तो पालना हम करा देंगे बाद में। एक बार इन बहनों को भी आशीर्वाद दे दो, राखी आ रही सामने, दे दो इनको परमानेंट कराओ, दिल्ली से हम कराएंगे आपकी मदद। ये मैं आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना काल के अंदर लड़ी थी। ये एक तो लूट मची हुई है सड़कों पे, आप ये देखिए किस तरह आरटीओ, अगर कोई आदमी पुलिस थाने से, आजकल पुलिस में फिर भी थोड़ी समझदारी बढ़ी है, ये समझते हैं ना कि साला सबसे पहले नंबर पुलिस का ही आता है, अपने क्या करना, सो जाओ, निकलता तो निकलने दो, तो आरटीओ वाले लट लेके खड़े रहते हैं, पांच पांच दस, मैं तो कईयों को पकड़ता हूँ सड़क पे, भाग जाते हैं खेतों के अंदर, गाड़ियां आती है जब, क्या कर रहे हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। गुजरात में भी ऐसा ही भ्रष्टाचार है, मैंने कहा गृहमंत्री जी को, मैंने कहा गृहमंत्री जी गुजरात तो बहुत भ्रष्ट है, बोले कैसे, मैंने कहा मेरे सामने 200 रुपये ले रहा था, आगे की गाड़ी चलते चलते 200 रुपये ले लिया इंस्पेक्टर ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही हो रहा है, कहने को तो शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा दारू जाती है गुजरात में, जाती कि नहीं जाती है, इस रास्ते से निकलती है हरियाणा, राजस्थान और ये दारू कौन लाया, मैं थोड़ी लाया था, मैं तो टेस्ट भी नहीं किया कभी, मेरे जैसा काम मिलेगा व्यक्ति आपको बताओ, जो पूरी जवानी बिता दी आपके बीच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम अगर सत्ता के नज़दीक आए, ये चौथ वसूली का धंधा बंद करा देंगे, कोई चौथ वसूली नहीं होगी किसी ट्रक और किसी गाड़ी से या किसी से, पुलिस थाने बने उन्हें अपने आप कर लेंगे व्यवस्था, चेकिंग करनी, क्या जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं, हर जगह बॉर्डर पर अलग दुकान, मैंने देखा था कि एसपी था जालौर का कोरोना के अंदर, वो तो लोगों को इधर उधर निकालने के पैसे खा जाता था, उसको हटवाया था मैंने, जालौर का एक एसपी था, बदमाश था बहुत ज़्यादा।